हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज मेरे पास एक वीडियो आई है जिसका नाम है व्हाट डू इंडियन थिंक्स अबाउट नेपाल। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाए लेकिन ये वाली जो वीडियो है थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो, इस वीडियो में एक नेपाली गर्ल है जो कि हर एक इंडियन से पूछ रही है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेपाल, आपको नेपाल के बारे में क्या पता है, कितनी जानकारी है। क्योंकि आजकल हर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है, और ये एक तो जनरल नॉलेज में भी लोग पूछ सकते हैं, जीके के पेपर्स में भी आते हैं और एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं तो उसमें भी लोग पूछ सकते हैं कि भाई आपकी पड़ोस की कंट्री है वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेमस है, जैसे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट फेमस है या माउंट एवरेस्ट की वजह से नेपाल फेमस है, ये चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, लेके चलता हूँ सीधे वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए सीधे आपको लेके चलता हूँ यूट्यूब पे, जहाँ पे हमें वो वीडियो मिलेगा। ओके दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे, अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट डू इंडियन थिंक्स अबाउट नेपाल। व्हाट डू इंडियन थिंक अबाउट नेपाल, और ये जो वीडियो है ये देखो, What do Indian people think of Nepal? भारतीय लोग नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो वीडियो हम देखेंगे अनु नेपाली गर्ल के YouTube चैनल से। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए, और अनु नेपाली गर्ल इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनके वीडियो जाके देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, go. Hi guys, welcome back my channel. आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आ रखी हूँ पब्लिक एरिया में, जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, और यहाँ मैंने पब्लिक के रिएक्शन जानने के लिए आ रखी हूँ, लोगों के साथ कुछ विचारें पूछने के लिए, इंडियन लोगों ने नेपाली लोग के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार है, इसके बारे में पूछने के लिए मैं पब्लिक एरिया में आ रखी हूँ। चलो आपको भी सुनाती हूँ, चलती है। सर, ये बताइए कि आपके नेपाल के बारे में कुछ बताइए, आपको जो पता है। नेपाल, तो नेपाल के बारे में तो मैं ये बताऊं कि नेपाल और भारत में कोई अंतर नहीं है। नेपाल के लोग प्योर हिंदू हैं, सब संस्कृत पढ़ने, सारे बच्चे ऋषिकेश आते हैं और बड़े सिंसियर हैं, बहुत ही अच्छे। नेपाल तो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, और हम सदा जो कुटुम्बकुम की भावना रखते हैं और सदैव उसका भी अपने साथ साथ कल्याण चाहते हैं, और हर समय आर्थिक मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं भारतीय लोग। बस यही कि वो बहुत अच्छी जगह है, घूमने फिरने की जगह है, और आई थिंक वहाँ पे कोई टेंपल है, नाम भूल गई, मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, और उस टेंपल का नाम मतलब बहुत फेमस है, आई थिंक नाम मुझे समय ध्यान में नहीं आ रहा है, बट हाँ कि वो जगह बहुत अच्छी है। मतलब नाम तो सुना ही है नेपाल, मतलब तो कई बार मतलब किताबों में भी पढ़ा है कई बार। अच्छा, इन नेपाल द इंडियन हिमालय रीजन एंड द नेपाल एंड नेपाल बेस्ड हिमालय रीजन सम डिफर इन माय आई व्यू। आई फील दैट वेरी नाइस एंड चार्मिंग मोमेंट्स एंड स्पेशली एट डॉन आवर्स एंड एट इवनिंग आवर्स द चार्म ऑफ नेपाल इज टोटली इट्स वेरी अट्रैक्टिव एंड डिसेंट। एंड ना इतना पता है कि वो हमारा गांव है ना पीलीभीत, उसके बगल में ही है। अच्छा, काठमांडू बहुत अच्छी जगह है, वहाँ के लोग खान पीन में बहुत शौकीन है, नॉन वेज वोज मेज में, चिकन मटन में, मोमो सोमन में। नेपाल का बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं, बाकी हम पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आया था। अच्छा, नेपाल गया था तो करीब 4-5 साल पहले। तो मैं क्या वहाँ रक्सल गया था, वहाँ से बीरगंज, वहाँ से बड़ बस पकड़ के काठमांडू सुबह पहुँच दिया था। अच्छा, बस बाबा का दर्शन किया, बहुत सारी मेला लगता है उस टाइम, सावन का मेला। अच्छा, अच्छा। तो बढ़िया था। हाँ जी, अच्छा लगा नेपाल। नेपाल के बारे में हमने तो अच्छा ही सुने, बुरा तो कभी सुने नहीं कि नेपाल कैसा है, कैसा है, कैसे नहीं है, क्या बात। लेकिन यह है कि बस हम कभी गए नहीं, इसलिए हम वहाँ के कानून क्या है, तौर तरीके कैसा है, वो हमें नहीं पता। और वहाँ का फेमस चीज क्या जैसा लगता है आपको? पशुपतिनाथ गया मैं। अच्छा, आप नेपाल गए हो? पशुपतिनाथ गया, इसके बाद वो स्वयंभू टेम्पल भी देखा ऊपर, अच्छा, वो घूमा चारों ओर हम वहाँ,
और बहुत अच्छा लगा। हमारा एक स्टूडेंट जिसको हमने यहाँ पढ़ाया और अपने आप ही हॉस्टल में भी रखा अपने कॉलेज के, वो अधिकारी है, उसको हमने यहाँ से PhD कराए फिजिक्स में, अब वो प्रोफेसर है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में। हाँ, मेरा ड्रीम भी है कि मैं नेपाल कभी घूमने जाऊँ। मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मेरे को कभी जानते हुए कहती नहीं कोई नहीं मैं जाऊँगी, बिकॉज मैं भूटान में मेरे भैया और रहते हैं तो कहते भी हैं कि कोई नहीं हम चलेंगे कभी। बस नेपाल में काठमांडू जो वहाँ पर बहुत फेमस, जहाँ पर जो धार्मिक प्लेस हैं जो हो और हिस्टोरिकल प्लेस हैं वहाँ पर। नेपाल का फेमस ये है कि मतलब उसका जो मतलब रुपए है उसका मतलब दाम कम होता है अपने मतलब भारत से। क्या फेमस चीज़ नहीं पता मुझे। नेपाल का फेमस चीज़ हम एक ही लगा है, वो है कैसीनो। कैसीनो जहाँ दूसरी कई राज्यों में हमारा भारत में बालाजी दिखाई नहीं देता है, ज़्यादा है ही नहीं, तो नेपाल में ज़्यादा कैसीनो चलता है। कैसीनो का मतलब जुआ होता है तो जानते ही है आप, लेकिन वो रजिस्टर्ड जुआ होता है। हमें अच्छा लगा वो, और सारी ब्यूटीफुल व्यू है वो भी अच्छा लगा। नेपाल का जनगण का बहुत अच्छा लगा, आदमी जो अच्छा है, सत है, सरल है। तो मैं 4-5 दिन था, लेकिन बहुत ठंडा, बहुत आपको शाम को 3 बजे का बात ही ठंडा बहुत लगता है। दिन में तो मालूम नहीं पड़ता है। अरे दाल भात कैसे खाते हैं वो, जो नेपाल के लोग खाते हैं वो हम लोग भी खाते हैं। दाल भात रोटी, मंडुआ की रोटी, गेहूँ की रोटी, मकई जुनोए की रोटी, ऐसे खाते हैं। वहाँ का फूड भी बहुत मशहूर है, नाम जैसे कि मोमो, जैसे कि चाओ, जैसे कि आपको एस सब्जी भी मिलता है, सूप सूप जैसा, बढ़िया लगा। मटन चिकन मोमो चिकन फुटुआ मोमो चाउमीन। हाँ, जाने का मौका मिला तो घूम कर आएंगे, जो है हमारा पड़ोसी राज्य है। हाँ, वहाँ पर जाएंगे। वाई नॉट टू अटेंड बाबा पशुपतिनाथ एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू गुजी श्री माता है जस्ट 2 किलोमीटर्स अहेड अपर साइड। मुक्तिनाथ आई विटनेस मुक्तिनाथ आई वेंट देयर। मैं तो ये देख के शौक लूं, क्यों नहीं, जरूर जाऊंगा। जब भोलेनाथ पशुपतिनाथ बुलाएगा तब जरूर जाऊंगा। आएंगे, बिल्कुल जाएंगे, घूमने जाएंगे, एंजॉय करके आएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। नेपाली भाइयों के लिए कहते हैं कि इंडियन और नेपाली सब मिलकर रहें, जो जो भी कोई समस्या आएगी उसको जो फेस मिलकर करेंगे तो संभवतः जल्दी हो पाएगी। हाँ, और एक दूसरे देश के साथ जो मिल जुटकर अपना कार्य करना चाहिए, जो जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम उसको जो सॉल्व करना चाहिए, और आपसी संबंध कुटुंब कुम की भावना एक दूसरे को रखनी चाहिए। धन्यवाद। Rituals of our Vedic systems. Okay. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. तो हमें इसका बहुत अच्छी ओपिनियन है, क्योंकि अभी तक तो नेपाल को हम अलग समझते ही नहीं, थोड़ा अखबारों में आजकल आ रहा है, वो अलग चीज़ है। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहते हैं नेपाली भाइयों के लिए? नेपालियों के लिए हार्दिक शुभकामना, वो तो हमारे पार्ट, हमारे बहुत अधिक हम प्रेम करते हैं, क्योंकि सारे जितने भी संस्कृत स्कूलों में है ना यहाँ हमारे, सब नेपाल के लोग पढ़ते हैं, बड़े अध्ययन। धन्यवाद आपको, थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ, नेपाली भाई हो तो हमारा उत्तराखंड में बहुत रहता है, हमारा साथ साथ भी घूमते हैं, यहाँ कम कच करने के लिए आया है वो नेपाली भाई। अच्छा होता है, सरल होता है, मेहनत करता है। धन्यवाद आपको। आपको कैसे लगा ये पब्लिक रिएक्शन? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है? मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया कि व्हाट डू इंडियन पीपल थिंक ऑफ नेपाल, भारतीय लोग क्या सोचते हैं नेपाल के बारे में। मैंने कई वीडियोस और अपलोड करी है, लेकिन ये वीडियो देख के दिल एकदम खुश हो गया। सच्चाई पता चलती है, जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ का भी, साथ साथ अपने देश का भी और नेपाल का भी, उन लोगों ने सामने आकर के अपनी बात रखी है, नेपाल के बारे में बताया। और एक तो बाबा जी थे, वो तो भाई साहब धड़ाधड़ इंग्लिश बोल रहे थे, मैं यहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया। और एक बाबा थे जो कि वो भी बता रहे थे कि वहाँ पे सूप मोमो ये सारी चीज़ें फेमस है।
और बहुत सारे लोग लास्ट में वो जो मास्क वाले भैया थे उन्होंने जो लास्ट में बात कही कि मिलजुल के रहना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है उनको एक साथ मिलजुल के फेस करनी चाहिए, जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल पे जाकर बैठ के बातचीत कर उसको सॉल्व करना चाहिए। हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन हर चीज़ का हल है, सोल्यूशन है, बैठ के बातचीत से हर चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है। तो जैसा कि काकी अखबार में बहुत सारी चीज़ सुनने को मिलती हैं, और एक भाई और था जो कि बोल रहा था कि नेपाल के बारे में आज तक कभी कुछ बुरा सुना ही नहीं, जब भी सुना अच्छा ही सुना, और नेपाल कभी गए नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकते। तो नेपाल जब आएंगे, नेपाल घूमेंगे, उसके बाद नेपाल को पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फिर जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें, एक दूसरे से रिलेशंस को एक दूसरों के रिलेशंस को बरकरार रखें, संबंध बनाए रखें। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ना प्यार यूँ ही बरकरार रखें, मुझे यूँ ही सपोर्ट करते हैं जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए।